काशी मीरा से बड़ी खबर सामने आई, जहां काशी मीरा की क्राइम ब्रांच यूनिट की टीम ने 24 तारीख की रात कांग्रेस नेता राजीव मेहरा के घर का ताला तोड़कर 74 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी करने वाले चोर को चोरी की वारदात के महज 4 घंटे के अंदर मीरा रोड से पकड़कर चोरी किए गए 74,50,000 रुपए का मुद्देमाल बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि दोस्त हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मीरा रोड पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 454, 457, 380 के तहत मामला किया गया है। काशीमीरा की क्राइम ब्रांच यूनिट एक ही गिरफ्त में मौजूद 40 साल के आरोपी का संजीव कुमार सिंह उर्फ नेताजी है। संजीव ने 24 तारीख रात 10 बजे से सुबह 8 के दरमियान हथौड़े और कटर की मदद से अपने दोस्त राजीव मेहरा के घर का ताला तोड़ के बेडरूम में मौजूद कपाट में से 70 लाख कैश, 70,012 के सोने चांदी के गहने सहित दूसरे कीमती सामान चुराकर अपने घर में छिपाए थे। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच यूनिट के अधिकारियों ने परिसर में लगे सीसीटीवी और दूसरे साक्ष्य जुटाकर आरोपी को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर उसके घर से चोरी किए गए पैसे और सोने चांदी के गहने और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार जब्त किए। मीरा रोड से मयंक रावत की रिपोर्ट। बताइए किस तरह का मामला है आज पत्रकार परिषद रखी गई है। दिनांक 24 अप्रैल को मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शीतल नगर नाम के एक एरिया में राजीव मेहरा नाम के एक गृहस्थ रहते हैं, जो माजी नगर सेवक भी रह चुके हैं और जिनका केबल चलाने का व्यवसाय भी है। तो वो सुबह 10 बजे उनके घर से निकल गए थे और रात को 8 बजे जब उन्होंने घर पे आए तब उनका घर का जो ताला था वो टूटा हुआ निकला, घर खुला था। जैसे घर में अंदर गए तो जहाँ पे वो उनके पैसे और सोने चांदी के जेवरात रखते तो वो जो अलमारी थी वो भी टूटी हुई दिखी। उसके बाद में उन्होंने देखने के बाद में उनके जो पैसे और गहने थे वो चोरी हो गए ऐसे पता चलने के बाद में उन्होंने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 152/2023 से गुना दर्ज किया, जिसमें करीबन 70 लाख के कैश और सोने की कान में डालने की बाली और चांदी के कुछ सिक्के ऐसा चोरी होने की फिरियाद उन्होंने दी। उसी फिरियाद पे पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 की टीम कर रही थी, जिसमें हमारे पीआई कुराड़े, एपीआई टोकले, एपीआई सुरवे और पूरे हमारे कर्मचारी उसमें जुड़ गए और 24 घंटे के अंदर हमने ये गुना डिटेक्ट किया। उसमें जो आरोपी है संजीव कुमार सिंह नाम के बंदे को हमने हिरासत में लिया है और उसके पास से अभी तक पूरा मुद्देमाल जो चोरी गया था पूरा मुद्देमाल हमने रिकवर किया है। करीबन 74,50,000 का हमने मुद्देमाल हमने रिकवर किया है। सर कहां से गिरफ्तार किया गया आरोपी को? आरोपी को मीरा रोड से ही गिरफ्तार किया है हमने। क्या प्लानिंग थी सर उसकी? बेसिकली बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि जो आरोपी और फिरियादी है ये 15 से 20 साल से एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो आरोपी को हमेशा पता रहता था कि इनका केबल चलाने का व्यवसाय है, तो इनका जो कैश वगैरह आता था तो उसको पता था कि ये कहाँ रखते हैं, तो उसके मुताबिक उसने कल प्लान करके ये कारनामा किया। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है सर ये? फर्स्ट टाइम, मतलब दोस्ती था।